हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है पैंथर की तरफ से। पैंथर की राज जोन के साथ एक वीडियो आई हुई है और उस वीडियो में एक्सी वर्सेस कर्मा की जो बीफ चल रही है उसके बारे में बताया है। आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। अभी ये एक्सी और कर्मा भाई की बीफ चल रही है, इसमें क्या कहना है यार? बढ़िया है भाई, बढ़िया बीफ करो और मजा आ रहा है मुझे तो देखने में। ठीक है, उनका शायद कोई सीरियस मसला हो गया है, बट आई लव टू सी दिस। मतलब मेरे को तो मजा आता है भाई। देखो बट इंडियन हिप हॉप मिक्स एक फैक्ट है कि जो बीफ मैंने ना कराई वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। शॉर्ट्स टेकन। मैं तो फैक्ट्स बोल रहा हूँ। अगर आप फुल वीडियो देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर देख लीजिए। और अगली अपडेट निकल के आ रही है रफ्तार की तरफ से। और आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि रफ्तार ने काफी टाइम से अपना कोई भी एल्बम ड्रॉप नहीं किया है और रफ्तार के फैंस रफ्तार से काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं न्यू एल्बम के लिए। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि रफ्तार के फैन ने एक स्टोरी डाली थी, रफ्तार ने उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहा है, एक HDV फेक के मारूंगा, सब लाइन में आ जाएंगे। अगली अपडेट निकल के आ रही है दानव की तरफ से। एलविस यादव वर्सेस मैक्सचन की काफी तगड़ी भसड़ हो चुकी है, इसके ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। उसी चीज का रिप्लाई देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई और उसमें लिखा कि मैक्सचन बंदे के अंदर जिगरा तो है भाई, जो मर्जी बोलो, अकेला ही चला गया, एलविस यादव को कोई बुला ले तो ये कभी ना जाए। एक और स्टोरी लगाई उसमें लिखा हुआ था कि 10 बंदे एक स्टोरी नहीं बुलवा पाए। और उन्होंने एक और स्टोरी लगाई उसमें लिखा हुआ था कि किसी में दम है तो MBY को हाथ लगा के दिखाए, फिर मानू मैं की है कोई। और एक और स्टोरी लगाई उसमें लिखा हुआ था कि अगर ऐसे मैटर सॉर्ट करते तो अभी तक कृष्णा भैया आधे हिप हॉप को पीट चुके होते। आपका इन चीजों के लिए क्या रिप्लाई है, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मेरी काफी सारी पिछली वीडियो मैक्सचन और एलविस यादव को ऊपर छूट चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर देख लीजिए।